हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। मैं संजीवन कुमार अपने इस चैनल JNP स्पेशल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी, मतलब मैं भी इसमें शामिल हूँ। और मैंने कल बताया था कि भाई मेरा भी 89 नंबर है और मैं भी बहुत दिन से इस पर प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के साथ आने की कोशिश कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि सभी का हेल्प हो जाए और सभी लोगों को मिला कर कुछ रणनीति बनाया जाए कि कुछ हम लोगों का उद्धार हो सके। इसी इसी के संदर्भ में मैंने कई कल कल परसों से लगातार बहुत लोगों से बात की, बहुत सारी बातें हुई और हम लोगों ने मतलब ये स्ट्रेटजी बनाया कि खुद काम किया जाए, किसी के सहारे रहकर या कोई चीज़ किसी के भरोसे कर ये चीज़ें मतलब सही नहीं हो पाएंगी। और अगर हम लोग खुद से काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एक कॉन्फिडेंट आएगा और अपने आप पर विश्वास भी रहेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ किया और कुछ समझ में आ रहा है। तो इस संदर्भ में हम लोगों ने ये बनाया है रणनीति कि सभी लोग मिलकर, जितने भी छात्र होते हैं 10, 20, 50, 100, सब लोग मिलकर जो भी फीस आती है। और मैंने कई वकील से बात किया कल, कई मतलब कल पूरा दिन भर हमने इस पर दिया और ये नतीजा निकला कि हम लोग खुद दायर करेंगे याचिका हाई कोर्ट में। याचिका दायर करने से पहले सबसे पहले इसमें क्या होगा कि ये फाइल तैयार करनी होगी, फाइल के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा है और मैटर लिया जा रहा है, मैटर की खोज चल रही है, फाइल के लिए बात चल रही है। कल से लगातार वकील साहब से बात हो रही है, बहुत सारे वकीलों से बात हो चुकी है। जैसे आप बता दें कि इलाहाबाद के बहुत ही चर्चित वकील, जैसे BM सिंह हो गए, अविनाश गौतम जी हो गए, ब्रजेश गौतम जी हो गए, चंदन भैया हो गए, चंदन हमारे जबकि रिलेटिव हैं और उन्हीं से लगातार बातचीत हो रही है हमारी, सरजू राम जी हो गए और अरुण पटेल जी हो गए, ये सब बहुत सारे एडवोकेट हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई आप सभी लोग आगे आइए और सभी का हेल्प होगा। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थीगण से ये निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग अगर थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, थोड़ा सा एक्टिव होंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे तो हो सकता है कि कोर्ट में जाने पर हम लोगों का कुछ कल्याण हो जाए। एकाध दो नंबर वाले जो भी रुके हुए हैं वे अपनी गलती से नहीं रुके हुए हैं, ये PNP गलती से रुके हुए हैं। तो PNP ने गलती किया है तो इसको हम लोग सुधारने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। PNP पे जाके कोई मतलब नहीं है, बहुत लोग गए, बहुत कुछ हुआ, कुछ नहीं हो पाया, कुछ बच्चे कोर्ट भी जा चुके हैं और अब हम लोग भी वही काम करेंगे। पीछे हटकर कोई काम करने वाला नहीं है, पीछे हटने से कोई भी बात नहीं बनने वाली है। तो इस तरह से आगे बढ़िए सभी लोग, थोड़ा सा अवेयर होइए, थोड़ा सा जागरूक बनिए। सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, बस हम लोग करते नहीं हैं, बहुत सिंपल तरीके से होता है, बस हम लोग उसमें पढ़ते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते हैं, यही रीज़न है। और कल से लगातार जिस तरह से वकीलों से हमारी बात हुई, मुझे लग रहा है कि अब याचिका पड़ जाएगी। और वकील साहब लोगों का कहना है कि देखिए भाई, अभी हाई कोर्ट में कल शायद मीटिंग है, एक बड़े लेवल पर मीटिंग है, कुछ कार्य को लेके कैसे कार्य किया जाए, कि ऑनलाइन काम होगा कि ऑफलाइन काम होगा, इस तरह की बहुत सारी मीटिंग, बहुत सारी बातों पर चर्चा कल होगी। तो वकील साहब ने हमें ये मतलब आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है कि रुक जाइए, अभी आप लोग जुड़े रहिए, तैयार रहिए, रणनीति बनाते रहिए, सभी लोग मिल जाइए, मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग मिल लीजिए, मिलकर रहिए और एक ग्रुपिंग बना के रखिए, जैसे ही कुछ मौका मिलता है याचिका डालने के लिए या ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी होता है, जैसे ही कुछ होता है तो मैं तुरंत इन्फॉर्म करता हूँ, तुरंत आप लोगों का फाइल बनाता हूँ, तुरंत याचिका डालूंगा। तो इस तरह से बात हुई है और फीस भी बहुत कम लगेगी, जो मिनिमम फीस रहेगा वही लगेगा, एकदम मिनिमम से मिनिमम, बहुत कम से कम। इसीलिए मैंने कहा कि भाई देखिए, किसमें किसी को कुछ नहीं करना है, सारे छात्र हैं, पैसे की सबको बहुत दिक्कत है, इसलिए फीस बहुत कम से कम लगेगी। और फीस तो देना ही पड़ेगा भाई, बिना फीस का काम तो होगा नहीं, वकील लोग हैं, फीस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मतलब ये कहा गया है कि कम से कम फीस लगेगी। और मैं हमेशा बना रहूँगा चैनल में, चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सबको जोड़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है
कि सभी भाइयों को लाभ मिल जाए, काक दो नंबर तीन नंबर जिसका रुक गया है प्लीज़ वो लोग उनका नंबर मिल जाए, वो भी इस भर्ती में शामिल हो जाए और जितने जल्दी हो सकेगा उतना अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। यही सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी अपडेट जैसे ही मिलती रहेगी हमको मैं आप सभी लोगों को अपडेट बताता रहूँगा। और हमारा चैनल है, मैंने अभी जल्दी ही इसको लॉन्च किया है, तो इस चैनल पे मैं बहुत सारी बातें, जो भी चीज़ें सही फैक्ट मिलेगा वही चीज़ें मैं शेयर करूँगा और बेवजह की बातें मैं नहीं करूँगा। और हमारे इस चैनल JNP स्पेशल में जुड़े रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इसको आगे बढ़ाएँ, प्रमोट करें, आप लोगों के सहयोग से ही कुछ हो पाएगा और बिना किसी सहयोग के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस प्रकार से हम लोग इस समय एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं और ये आशा करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा, ठीक है। आगे कोई भी जानकारी मिलती है, कुछ भी होता है, तो मैं आप सभी लोगों को ज़रूर बताऊँगा। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।